दोस्तों, जब बारिश की कोई संभावना नहीं होती है तो पूरा आसमान सफ़ेद बादलों से भरा होता है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही बारिश की संभावना होने वाली होती है, बादल काले नज़र आने लगते हैं। बादलों का रंग पूरी तरह से बदल जाता है। इन काले बादलों के कारण अंधेरा छा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों बारिश के पहले बादल काले हो जाते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। दोस्तों, बादल पानी के वाष्प के छोटे छोटे बूंदों से बना होता है। जब नदियों समुद्रों से गर्म जल वाष्प निकलता है तो वह जल वाष्प ऊपर आसमान में उड़ने लगता है, जो ऊपर संघनित होकर, मतलब कि गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होकर बर्फ के बड़े बड़े गोले में तब्दील हो जाते हैं, जिससे बादलों का निर्माण होता है। इन बादलों का सफ़ेद दिखाई देने का कारण यह है कि सफ़ेद बादल सूर्य के किसी रंग को अवशोषित नहीं करते और तो और इन्हें परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण आसमान में सफ़ेद बादल दिखाई देते हैं। और वहीं बारिश से पहले बादलों के काले होने का कारण यह है कि बारिश से पहले बादलों में पानी की बूंदों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने के बजाय अवशोषित करने लगती है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, जिसके कारण हमें वही सफ़ेद बादल काले नज़र आने लगते हैं। बारिश के वक्त बादलों के ऊपर प्लेन में वही बादल सफ़ेद दिखाई देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, और पसंद आया हो तो लाइक कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।